फिर उसके मतलब वो उड़ानी करते हैं उसे, ये मारिए उड़ाई जाती है जरा। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं कानोदर गुजरात, और वो भी ये वाली कैंपर गाड़ी लेकर। इस गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो गया था और हमने ये गाड़ी पूरी तैयार करी है। आगे वाला जो केबिन है वो पूरा नया डाला है, पीछे वाली जो ट्रॉली है वो हम इसकी लेने के लिए जा रहे हैं कानोदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर इसकी जो ट्रॉलियाँ हैं बॉडी है जो बनाई जाती है, बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पर बॉडी लाइन के गाड़ियों की। हर तरीके की जो गाड़ियाँ हैं खास करके महिंद्रा की, उनकी हर एक बॉडी आपको वहाँ मिल जाएगी, बॉडी सेल मिल जाएगा, पूरा डाले वगैरह जो भी चाहिए सारी चीज़ें मिल जाती है। तो हम लोग इसकी अभी जो पीछे की जो ट्रॉली है वो खरीदने के लिए जा रहे हैं ये वाली गाड़ी लेकर। अभी हम लोग आधा रास्ता आ चुके हैं और होटल भागवते पर रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। होटल भागवते जो है साचौर के पास में है, यहाँ से पीते हैं चाय फिर निकलते हैं आगे। बाकी सबने चाय पी ली है और मेरी चाय अभी आई है। उते इते फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं छापी, और ये है फैक्ट्री जहाँ पर डाले वगैरह बनते हैं। ये बाहर पड़े ही हैं मैक्सी वगैरह के, हमें चाहिए कैंपर का, हम जा रहे हैं अंदर। पूरा कारखाना है यहाँ पर, हर तरीके की बॉडी बनती है बोलेरों की, कैंपर की, इनकी। ये पीछे का डाले तैयार हुए पड़े हैं। दो तरीके के डाले थे, एक ये वाला जो चद्दर वाला है हेवी वाला, जिसकी रेट थी 22,500, वो हमने नहीं लिया, हमने दूसरा लिया है ये वाला, तो कंपनी वाला है नहीं, ये वाला चद्दर वाला ये हमने नहीं लिया है। हमने जो है वो वाला सस्ता वाला डाला लिया था, कंपनी टाइप का जो आता है वो, और ये 15,000 का पड़ा है। अभी इसके ऊपर रख के लेके जाएंगे हम, यहाँ से सिर्फ 4 बोल्ट कस के ही लेके जाएंगे इसके। तो ये हमारी बॉडी जो है फाइनली कस के हमने फ्री कर दी है, इसके अंदर 4 बोल्ट कसे हैं, 2 आगे और 2 पीछे। हाँ, हमारी गाड़ी की जो है बॉडी हम डलवा के आ चुके हैं, ये रही इसकी पीछे वाली बॉडी। और हम यहाँ होटल पर रुके हैं खाना खाने के लिए, राजस्थानी होटल है, जो हमारे साथ खान भाई है उनके पहचान वाले हैं, उनके होटल है। और अब इरादा यही है कि रात को यहीं सोएंगे, आगे पहले खाना खा लेते फिर आगे का देखते क्या सीन रहता है। हमारा खाना आ चुका है, बाजरे की रोटी और दही रायता, सेव टमाटर। हाँ, ये खान भाई, खान मामा और यूसुफ भाई। वहाँ से हम लोग खाना खा के निकले और फिर 2-4 किलोमीटर आ गया कहीं रुक गए, क्योंकि रात हो गई थी और कुछ सामान लेना था जो बाकी रह गया था वो हम अब कल लेंगे। वहाँ पर वे यूसुफ भाई सो रहे हैं और यहाँ पर ये खान मामा सो रहे हैं। एक और चीज़ मज़ेदार हुई थी, जब हम खान मामा के घर पर पहुँचे थे 3 महीने बाद उनकी गाड़ी घर पर पहुँची थी, तो उन्होंने ये मैंने अजरक उड़ाई थी। मगर सिंधी कल्चर में अजरक का बहुत मान सम्मान है, सिंधी मुस्लिम जो कल्चर है ना उसमें अजरक मतलब बहुत सम्मान की चीज़ है, जो किसी कोई बहुत किसी से बहुत ज़्यादा राज़ी हो जाता है ना, तो फिर उसको मतलब वो उड़ानी करते हैं उसे, ये मामले उड़ाई जाती है अजरक। हमारे सिंधी कल्चर में अजरक का बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, और उन्होंने हमें सम्मान के रूप में मुझे और यूसुफ भाई को जो है अजरक उड़ाई के लिए बोलकर के 3 महीने बाद मेरी गाड़ी बन के तैयार होकर मेरे घर पे आई है। इसलिए अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए अब हम आराम कर रहे हैं, सो जाएंगे और सुबह जो है सामान वगैरह ले रहे हैं वो देखेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग अभी नहा धोकर आ गए हैं गाड़ी के पास में। कपड़े हम साथ में लाए नहीं थे क्योंकि हम रुकने वाले हिसाब से आए नहीं थे, उसी हिसाब से तैयार करके आए नहीं थे, तो नहा धोकर हमने वही कपड़े वापस में लिए। और ये रही हमारी गाड़ी, हमने रात को जो गाड़ी वो थी पीछे एस मोटर्स करके, तो पीछे
पीछे बोर्ड लगा हुआ उसके अंदर हमने पार्क करके रखी थी। अभी मार्केट खुलने का वेट करते हैं, मार्केट खुली नहीं है, मार्केट खुले तो जो हमें सामान लेना है वो लेते हैं पहले, फिर निकलते हैं यहाँ से। फिर हम लोगों को जो सामान लेना है हमने ले लिया सारा, ये पड़ा पीछे डाले में और कुछ सामान यहाँ आगे पड़ा है। अब हम लोग हो चुके हैं यहाँ से फ्री, निकलते हैं खानों दर से। हम लोग अभी हाथोर पहुँचे हैं और सुबह से सिर्फ पीने को पानी और खाने को हवा, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया पिया है। भूख लग रही थी और एक देसी होटल देखकर जहाँ पे देसी खाना है वो होटल देखकर रुकी है और यहाँ पे खाएंगे खाना, फिर यहाँ से आगे निकलते हैं घर के लिए। यहाँ पर हमारा खाना आ चुका है, बाजरे की रोटी है और मेथी और रायता, एक और मिक्स सब्जी है और छाछ। हम लोग वहाँ से खाना खा के निकल चुके हैं, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ तो मस्त अकेला, यूसुफ भाई गाड़ी चला रहे हैं और खान मामा जो है आगे बैठे हुए हैं। तो अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वर्कशॉप पे और गाड़ी हमने अंदर लगा दिया। जो खान मामा थे वो उनको रास्ते में घर पे छोड़ दिया था और यूसुफ भाई यहाँ सेड़ो खा के उतर गए, हम लोगों ने गाड़ी लगा दिया अंदर। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।